साथियों नमस्कार। आज हम प्रश्नावली 6.3 के प्रश्न करेंगे और इससे पहले के जितने भी प्रश्न हैं, वीडियोस हैं वो सारे मैंने प्लेलिस्ट में डाल दिए हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाओ और सारे वीडियोस जो है आराम से देखो। तो देखो यहाँ पर जो हमारा प्रश्न है वो है, आकृति में त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं क्यू पी और आर क्यू को क्रमशः बिंदुओं एस और टी तक बढ़ाया गया है। यानी हमारे पास एक त्रिभुज पी क्यू आर है, इसमें हमने क्या करा, ये जो भुजा क्यू आर है इसको टी तक आगे बढ़ाया और जो ये भुजा क्यू पी है इसको हमने एस तक आगे बढ़ाया। अब जब हमने भुजाएं आगे बढ़ाई तो क्या हुआ, यदि कोण एस पी आर बराबर 135 डिग्री है, यानी ये जो कोण एस पी आर बना वो कितना बना 135 डिग्री का, और कोण पी क्यू टी बराबर 110 डिग्री है, ये जो कोण है पी क्यू टी ये हमारा कितना है 110 डिग्री। तो कोण पी आर क्यू ज्ञात कीजिए, यानी हमें ये कोण जो है पी आर क्यू ये वाला कोण ये हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखो इस प्रश्न को करने के लिए हमने जो इससे पहले की वीडियो बनाई है उसमें हमने एक प्रमेय पढ़ी थी कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग है वो कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो इस प्रमेय का प्रयोग हम करेंगे इसके अंदर। तो सबसे पहले देखो इस प्रश्न को करने के लिए मैं यहाँ पर ये जो कोण है इसको एक नंबर दे रहा हूँ और ये जो कोण है इसको दो नंबर, और इस कोण को मैं कितना लिख देता हूँ, तीन लिख देता हूँ। ठीक है, तो देखो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, 110 डिग्री प्लस कोण एक बराबर 180 डिग्री होता है ना। हमने एक अभिग्रहित पढ़ा था कि जब किसी रेखा पर एक किरण खड़ी है तो ये जो दोनों आसन कोण होते हैं इनका योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो ये हमारा कोण हो गया 110 और ये हो गया एक, और यह हो गई रेखा और ये हो गई किरण, तो इन दोनों आसन कोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री। इसे हमने कौन सा अभिग्रहित कहा था, रेखिक युग्म। तो ऐसा हमने किसके कारण लिखा, रेखिक युग्म से लिखा है ना, ये हमारा कारण हो जाएगा। चलो अब ये समीकरण है और इससे हम कोण एक का मान निकालेंगे, तो क्या होगा, कोण एक और 180 होंगे अपनी जगह पर, ये 110 उधर जाएगा, तो प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब हम घटाएंगे तो देखो जीरो में से जीरो गया जीरो, आठ में से एक गया सात, एक में से एक गया जीरो, तो हमें कोण एक कितना मिलेगा, 70 डिग्री है ना। इसी प्रकार देखो यहाँ पर ये एक सीधी रेखा है और ये किरण हो गई, तो इन दोनों कोणों का योग भी कितना होगा, 180 डिग्री। तो इसको क्या लिख सकता हूँ कि 135 डिग्री प्लस कोण दो बराबर 180 डिग्री। कैसे लिखा ये, रेखिक युग्म से। चलो अब कोण दो का मान ज्ञात करेंगे, तो कोण दो और 180 अपनी जगह पर, ये प्लस का उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। अब घटाएंगे तो 10 में से 5 गया 5, 7 में से 3 गया 4, 1 में से 1 गया 0, तो कोण 2 हमें कितना मिलेगा, 45 डिग्री। ठीक है, अब देखो हमारे पास कोण 1 आ गया, कोण 2 आ गया, और हमें क्या ज्ञात करना है, कोण 3 ज्ञात करना है। जब हमारे पास एक त्रिभुज है और दो कोण हमें ज्ञात है तो तीसरा कोण हम आराम से निकाल सकते हैं। कैसे, कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री है ना। तो हम यहाँ लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू आर में है ना, ये हमारा त्रिभुज हो गया पी क्यू आर। इसके अंदर हम क्या लिख सकते हैं कि कोण एक प्लस कोण दो प्लस कोण तीन बराबर इन तीनों कोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, ये हमारी क्या है, प्रमेय है। अच्छा तो यहाँ देखो कोण एक हमने कितना निकाला, 70 डिग्री, तो यहाँ आ जाएगा 70 डिग्री। कोण दो कितना निकाला, 45 डिग्री, और कोण तीन हमें क्या करना है, ज्ञात करना है, ये वाला कोण हमें ज्ञात करना है, बराबर 180 डिग्री। इन दोनों कोणों को हम जोड़ेंगे तो 0 और 5 5, 7 4 11 कितना हो गया, 115 डिग्री प्लस कोण तीन बराबर 180 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, 115 को उधर भेजेंगे तो कोण तीन बराबर 180 अपनी जगह पर, ये प्लस का उधर जाके माइनस का 115 हो जाएगा।
घटाएंगे तो देखो 10 में से 5 गया, 5 7 में से 1 गया, 6 और 1 में से 1 गया 0। तो कोण 3 हमें कितना मिलेगा? 65 डिग्री। इस कोण 3 को हम क्या लिख सकते हैं? इस कोण 3 को हम लिख सकते हैं कोण पी आर क्यू। तो यहाँ लिखेंगे या, है ना, कोण पी आर क्यू जो है कितना आएगा? 65 डिग्री आएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। प्रश्न संख्या 2 है, आकृति में कोण x बराबर 62 डिग्री और कोण एक्स वाई जेड बराबर 54 डिग्री है, यानी ये जो आकृति है त्रिभुज, इसके अंदर ये जो कोण है हमारा x, वो दे रखा है 62 डिग्री का, और x y और z यानी ये जो कोण है वो दे रखा है 54 डिग्री का। ठीक है, यदि वाई ओ और जेड ओ क्रमशः त्रिभुज एक्स वाई जेड के कोण एक्स वाई जेड और कोण एक्स जेड वाई के समद्विभाजक है, यानी यहाँ पर एक भुजा है वाई ओ और यहाँ पर एक भुजा है जेड ओ, ये दोनों भुजाएं जो है वो इस कोण यानी एक्स वाई जेड के और इस कोण यानी एक्स जेड वाई के समद्विभाजक है, यानी ये दोनों भुजाएं क्या है? समद्विभाजक है। समद्विभाजक का मतलब होता है समान दो भाग, यानी ये जो कोण होगा वो इस भुजा के कारण समान दो भागों में बट जाएगा, और ये जो कोण होगा वो इस भुजा के कारण समान दो भागों में बट जाएगा। यानी अगर ये कोण वाई जो है, ठीक है, ये कोण वाई जो है 54 डिग्री का है, तो ये जो भुजा है वाई ओ, इस भुजा के कारण ये कोण और ये कोण समान दो भागों में बट जाएगा, यानी पूरा कोण कितना है? 54 डिग्री का। तो ये हो जाएगा 27 डिग्री और ये भी हो जाएगा 27 डिग्री, यानी हम क्या करेंगे? 54 का आधा करेंगे। 54 का आधा कितना होता है? 27 होता है ना। तो ये दोनों आधे आधे हो जाएंगे, 27 27 डिग्री के हो जाएंगे। तो समझ में आ गया समद्विभाजक क्या होता है ना। अब देखो इस प्रश्न को करना कैसे है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोण एक्स वाई और जेड, इन तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री, ये हम जानते हैं, है ना। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कोण 54 डिग्री यानी ये वाला कोण, 62 डिग्री यानी ये वाला कोण, और ये कोण हमारा क्या हो जाएगा? एक्स जेड वाई प्लस कोण एक्स जेड वाई बराबर कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। कारण क्या होगा? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बराबर 180 डिग्री, ये हमारा कारण हो जाएगा, है ना। अब 54 और 62 को हम जोड़ेंगे तो देखो 4 और 2 कितना हो गया? 6, 6 और 5 कितना हो गया? 11। तो ये आ जाएगा 116 डिग्री प्लस कोण एक्स जेड वाई बराबर 180 डिग्री। हमें क्या ज्ञात करना है? कोण एक्स जेड वाई बराबर 180, ये अपनी जगह पर, ये उधर जाएगा, तो प्लस का क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। घटाएंगे तो 10 में से 6 गया 4, 7 में से 1 गया 6 और 1 में से 1 गया 0। तो कोण एक्स जेड और वाई जो है हमें कितना मिलेगा? 64 डिग्री मिलेगा। ठीक है, ये पूरा कोण हमने कितना निकाला? 64 डिग्री निकाला। अब ध्यान से समझना, हम क्या करेंगे, इस कोण को कोण नंबर 1 देंगे, इस कोण को 2 और इस कोण, ये जो छोटा वाला कोण है इसको हम क्या नंबर देंगे? 3 नंबर देंगे। ठीक है, अब हम क्या लिखेंगे कि ये जो हमारा कोण 1 है वो कितने डिग्री का होगा? वो होगा 27 डिग्री का। क्यों? क्योंकि ये जो वाई ओ है वो इस कोण का क्या कर रही है? समद्विभाजन कर रही है ना। तो ये पूरा कितना है? 54 डिग्री का। तो कोण 1 हमारा कितना आएगा? 27 डिग्री का, है ना। तो यहाँ हम लिखेंगे कोण 1 बराबर इसका आधा, है ना, यानी 54 डिग्री बट्टा 2। तो 54 का आधा कितना हो जाएगा? 27 डिग्री। और ये हमने कैसे लिखा? तो हम जानते हैं कि जो ये वाई ओ है, जो ये वाई ओ है वो क्या है? कोण एक्स वाई जेड का समद्विभाजक है। वाई ओ कोण एक्स वाई जेड का समद्विभाजक, समद्विभाजक ये हमें प्रश्न में दिया हुआ है ना। इसी प्रकार जो कोण 2 है, कोण 2 है वो, सॉरी कोण 3 है ना, कोण 3, 2 नहीं 3,
ये जो कोण तीन है ठीक है, वो इस पूरे कोण का क्या है, आधा है ना। क्यों? क्योंकि ये जो जेड ओ है वो इस कोण का क्या है, समद्विभाजक है। तो कोण तीन, ये पूरा कोण कितना है, ये पूरा कोण हमने निकाला 64 डिग्री है ना। तो कोण तीन हम लिख सकते हैं 64 डिग्री/2, इसका आधा करेंगे तो कितना होगा, 32 डिग्री है ना। तो ये हो जाएगा 32 डिग्री। कारण क्या होगा, कारण हमारा होगा कि ये जेड ओ जो है, जेड ओ वो इस कोण एक्स जेड वाई का, कोण एक्स जेड वाई का समद्विभाजक है, समद्विभाजक है ठीक है। तो देखो ये कोण तो हमारा ज्ञात हो गया, अब हमें ये वाला कोण चाहिए। तो ये कैसे ज्ञात करेंगे, तो ये हम ऐसे ज्ञात कर सकते हैं कि भाई त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो ये देखो हमारा ओ वाई जेड, ये भी एक त्रिभुज है, तो इसमें हम तीनों कोणों का जो योग है वो कितना करेंगे, 180 डिग्री करेंगे। अच्छा यहाँ जो कोण तीन है उसको हम क्या लिख सकते हैं, कोण ओ जेड वाई, जो कि हमें ज्ञात करना था ओ जेड वाई है ना। तो यहाँ हम ऐसा भी लिख सकते हैं, या कोण ओ जेड वाई बराबर कोण तीन बराबर, ये जो ओ जेड वाई है कोण तीन ही तो है हमारा, और वो हमने कितना निकाला, 32 डिग्री। तो एक तो हमारा आंसर ये वाला हो गया है ना। चलो एक हमारा अब ये कोण दो हमें निकालना है, तो ये कैसे निकालेंगे ध्यान से समझना। हम जानते हैं कि त्रिभुज जो ओ वाई जेड है, ओ वाई जेड में कोण एक दो और तीन, कोण एक प्लस कोण दो प्लस कोण तीन, इन तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। कारण क्या हो जाएगा, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बराबर 180 डिग्री है ना। ये हमारा क्या हो जाएगा, कारण हो जाएगा। चलो अब कोण एक हमारे पास है कितना, 27 डिग्री, प्लस कोण दो हमारे पास है, कोण दो हमें ज्ञात करना है, प्लस कोण तीन हमें 32 डिग्री दे रखा है बराबर 180। पहले इन दोनों को जोड़ेंगे तो 7 और 2 कितना हो गया, 9 ठीक है, और 3 और 2 कितना हो गया, 5, ये हो गया 59 डिग्री, प्लस कोण दो बराबर 180 डिग्री। अब इस 59 को हम उधर भेजेंगे, क्या होगा देखो, कोण दो बराबर 180 डिग्री माइनस, ये प्लस का है तो माइनस हो जाएगा 59 डिग्री। तो कोण दो हमें मिलेगा, 10 में से 9 गया 1, 10 में से 9 गया 1, 7 में से 5 गए, कितने बचेंगे, 2 ठीक है, कितना हो जाएगा, 121 डिग्री है ना। कोण दो हमारा कितना हो जाएगा, 121 डिग्री। चलो कोण दो हम क्या लिख सकते हैं, कोण दो को हम कोण वाई ओ जेड, वाई ओ जेड ये भी लिख सकते हैं है ना, या करके कोण वाई ओ जेड। तो ये हमारा दूसरा आंसर हो जाएगा, ये पहला आंसर और ये दूसरा आंसर। प्रश्न संख्या 3 है, आकृति में यदि ए बी समानांतर डी, यानी ये जो भुजा ए बी है वो इस डी ई के क्या है, समानांतर, यानी ये दो दोनों रेखाएं हैं वो आपस में क्या है, समानांतर हैं। कोण बी ए सी बराबर 35 डिग्री, ये जो कोण बी ए सी यानी ये वाला जो कोण है 35 डिग्री का है, और कोण सी डी ई, सी डी ई यानी ये कोण 53 डिग्री है। तो कोण डी सी ई ज्ञात कीजिए, ये जो कोण डी सी ई यानी ये वाला जो कोण है हमें ज्ञात करना है ठीक है। और यहाँ एक त्रिभुज बन रहा है और त्रिभुज में एक कोण है, ये वाला अगर मेरे पास कोण होता तो मैं त्रिभुज के तीनों कोणों के नियम से ये वाला कोण आराम से ज्ञात कर सकता हूँ है ना। तो यहाँ पर एक चीज़ हमें दे रखी है कि जो ए बी है वो डी ई के समानांतर है। जब ये दोनों रेखाएं समानांतर है और ये जो तिर्यक है ये इन दोनों समांतर रेखाओं को काट रहा है ना। तो यहाँ पर देखो ये जो बन रहा है हमारे पास जेड, ये जो जेड बन रहा है यहाँ पे, इसमें ये कोण और ये कोण क्या कहलाते हैं, एकांतर कोण कहलाते हैं। और जब दो समांतर रेखाएं हो तो एकांतर कोण जो होते हैं वो आपस में सदैव क्या होते हैं, बराबर होते हैं है ना। तो यहाँ देखो ये एकांतर कोण बन रहा है, जेड बन रहा है यहाँ पर, तो ये कोण और ये कोण क्या होगा, बराबर होगा
है ना। तो यहाँ पर मैं अगर इस कॉर्न को एक नंबर दे देता हूँ तो मैं कह सकता हूँ, क्या कह सकता हूँ कि हमें दिया है कि ए बी जो है वो डी ई के समानांतर है, ये हमें प्रश्न में दिया हुआ है ना। तो ये जो कोण एक है, कोण एक जो है वो किसके बराबर होगा, 35 डिग्री के बराबर होगा। क्यों होगा? क्योंकि एकांतर कोण है, एकांतर कोण हमेशा बराबर होते हैं, है ना। तो कोण एक मुझे मिल गया। अब मैं त्रिभुज सी डी ई में, त्रिभुज सी डी ई में क्या ऐसा लिख सकता हूँ, कोण 53 डिग्री प्लस ये जो कोण एक मैंने लिया, एक हमारा कितना है 35 डिग्री, 35 डिग्री प्लस ये कोण कौन सा, डी सी ई, कोण डी सी ई, डी सी ई यानी ये वाला कोण, इन तीनों कोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री होगा। ये दोनों कोण जुड़ेंगे तो 5 और 3 8, 5 और 3 8 कितना हो जाएगा, 88 डिग्री प्लस कोण डी सी ई बराबर 180 डिग्री। ठीक है, अब इस 88 डिग्री को हम उधर भेजेंगे तो कोण डी सी ई बराबर 180 अपनी जगह पर, ये उधर जाएगा तो माइनस का 88 हो जाएगा। तो कोण डी सी ई हमें मिलेगा 10 में से 8 गया 2, 17 में से 8 गए कितने बचेंगे 9, है ना। तो हमारा उत्तर कितना आ जाएगा, 92 डिग्री, है ना। प्रश्न संख्या 4 है, आकृति में यदि रेखाएं पी क्यू और आर एस बिंदु टी पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करती है कि, यानी दो रेखाएं हैं, एक तो पी क्यू और ये आर एस, पी क्यू और आर एस जो है बिंदु टी पर क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है। और जब दो रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करती है तो शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, है ना। अब हमें क्या दिया हुआ है प्रश्न में, कोण पी आर टी बराबर 40 डिग्री, यानी ये जो कोण पी आर टी है वो 40 डिग्री है, कोण आर पी टी यानी आर पी टी ये कोण 95 डिग्री है, और कोण टी एस क्यू, टी एस क्यू ये 75 डिग्री दे रखा है। तो कोण एस क्यू टी ज्ञात कीजिए, ये जो कोण एस क्यू टी है ये हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर साफ दिख रहा है दो त्रिभुज है, इस त्रिभुज के अंदर तो दो कोण दिए हुए हैं, तो मैं ये तीसरा कोण आराम से ज्ञात कर सकता हूँ। जब ये कोण ज्ञात हो जाएगा तो ये दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है, तो ये कोण इसके बराबर होगा क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं, है ना। तो हम इसको कैसे करेंगे कि सबसे पहले यहाँ पर हमें त्रिभुज दिया है पी आर टी, त्रिभुज पी आर टी में कोण 95 डिग्री 95 डिग्री प्लस 40 डिग्री प्लस ये जो कोण है पी टी आर, कोण पी टी आर, इन तीनों कोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री। कारण क्या होगा, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री, ये आप यहाँ पर लिख देना। ठीक है, अब देखो 95 और 40 को जोड़ो तो ये हो गया 5, 9 और 4 हो जाएगा 13 यानी 135 डिग्री प्लस कोण पी टी आर बराबर 180। अब पी टी आर और 180 अपनी जगह पर, ये 135 इधर आएगा तो माइनस का 135 हो जाएगा। तो कोण पी टी आर हमें कितना मिलेगा, 10 में से 5 गया 5, 7 में से 3 गया 4 यानी कि 45 डिग्री। तो ये कोण जो है हमारा कितना आया, 45 डिग्री। अब ये 45 है तो ये भी कोण कितना होगा, 45, है ना। तो हम लिख सकते हैं कि कोण एस टी क्यू जो है, कोण एस टी क्यू जो है वो भी हमारा कितना होगा, 45 डिग्री। कारण क्या होगा, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, अच्छा अब देखो इस त्रिभुज के अंदर भी दो कोण हमारे पास है तो मैं ये तीसरा कोण ज्ञात कर सकता हूँ, है ना। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज टी एस क्यू में एक तो कोण 45 डिग्री प्लस कोण 75 डिग्री प्लस ये जो कोण हमें ज्ञात करना है एस क्यू टी, एस क्यू टी, कोण एस क्यू टी, इन तीनों कोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री। ये दोनों जोड़ेंगे तो 5 और 5 10, हासिल का 1, 8 और 4 हो जाएगा 12, 120 डिग्री प्लस कोण एस क्यू टी बराबर 180 डिग्री। ठीक है, अब ये 120 उधर जाएगा
तो कोण एस क्यू टी बराबर 180 डिग्री, ये प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का, तो कोण एस क्यू टी जो है हमें मिलेगा 180 में से 120 गया 60 डिग्री, ये हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 है, आकृति में यदि पी क्यू लंब है पी एस पर, ये जो पी क्यू है वो किस पर लंब है, इस पी एस पर लंब है, ठीक है। प्रश्न संख्या 5 है, आकृति में यदि पी क्यू लंब है पी एस पर, यानी कि ये जो हमारी पी एस है इस पर ये पी क्यू जो है वो क्या है लंब है, यानी यहाँ पर ये कितने डिग्री का कोण बन रहा है 90 डिग्री का। जब भी लंब होता है तो वहाँ कितने डिग्री का कोण बनता है 90 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है। पी क्यू समांतर एस आर, और जो ये पी क्यू रेखा है वो इस एस आर के क्या है समानांतर है, यानी ये दोनों रेखाएं समानांतर है। कोण एस क्यू आर बराबर 28 डिग्री, ये जो एस क्यू आर है वो ये वाला कोण है ना, एस क्यू आर ये कोण हमारा 28 डिग्री है, और कोण क्यू आर टी, क्यू आर टी ये कोण कितना है 65 डिग्री। तो एक्स और वाई के मान ज्ञात कीजिए, ये जो कोण एक्स और वाई है इनके मान ज्ञात करने। तो देखो प्रश्न में सबसे पहले क्या कहा कि दो रेखाएं हमारे पास समानांतर है, ठीक है। जब रेखाएं समानांतर होती है तो उसमें हमें तिर्यक देखना है, तो ये देखो ये हमारा क्या हो गया तिर्यक, तिर्यक हो गया। और जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक काटता है तो ये जो एकांतर कोण है वो आपस में क्या होते हैं बराबर, जहाँ जेड बनता है ना, तो ये जो जेड के अंदर वाले कोण हैं वे हमारे क्या होते हैं एकांतर कोण, और ये दोनों आपस में बराबर होते हैं, है ना। तो हमें दिया है कि जो ये पी क्यू है वो समानांतर है एस आर के, जब पी क्यू एस आर के समानांतर है तो यहाँ देखो यहाँ पर एक जेड बन रहा है, ये देखो यहाँ पर ये वाला जेड बन रहा है, ठीक है, ये वाला जेड देखना है आपको, तो ये पूरा कोण इस कोण के बराबर है ना, यानी कोण पी क्यू आर जो है, कोण पी क्यू आर जो है वो कोण क्यू आर टी के बराबर है, कोण क्यू आर टी के बराबर है ना। अब ये कोण पी क्यू आर, पी क्यू आर ये कितना है एक्स प्लस 28, ये पूरा कितना है एक्स प्लस 28 डिग्री, तो इसकी जगह लिख सकता हूँ एक्स प्लस 28 डिग्री जो है वो किसके बराबर है, इस 65 डिग्री के बराबर है ना। अब ये दोनों बराबर क्यों हुए, क्योंकि ये कैसे कोण है एकांतर कोण है, ये हमारा कारण हो जाएगा। अब यहाँ से देखो हम x का मान ज्ञात कर सकते हैं, 28 उधर जाएगा तो x बराबर 65 अपनी जगह पर, ये प्लस का उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का, घटाएंगे तो 15 में से 8 गया 7 और 5 में से 2 गया 3, तो x हमारा कितना आ जाएगा 37 डिग्री, ठीक है, ये हमारा आ गया 37 डिग्री। अब हमें चाहिए y, तो हम y आसानी से निकाल सकते हैं, देखो यहाँ पर ये हमारा क्या हो गया एक त्रिभुज हो गया है ना, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री, तो यहाँ लिख सकते हैं त्रिभुज पी क्यू एस में ये 90 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री प्लस ये कोण हमारा है 37 डिग्री प्लस ये कोण हमारा कितना है वाई, इन सब का योग कितना होगा 180 डिग्री, कारण हमारा क्या हो जाएगा त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का योग बराबर 180 डिग्री, ये हमारा कारण हो जाएगा। इन दोनों को कोणों को हम जोड़ेंगे तो 7 और 0 7, 9 और 3 हो जाएगा 12, यानी 127 डिग्री प्लस वाई बराबर 180 डिग्री, वाई 180 अपनी जगह पर, ये प्लस का 27 इधर आएगा तो माइनस का 127 हो जाएगा, घटाएंगे तो देखो 10 में से 7 गया 3 और 7 में से 2 गए तो कितने बचे 5, 1 में से 1 गया 0, तो वाई हमारा कितना आएगा 53 डिग्री। तो एक्स तो हमारा हो गया 37 डिग्री और वाई हमारा हो गया 53 डिग्री। प्रश्न संख्या 6 है, आकृति में त्रिभुज पी क्यू आर की भुजा क्यू आर को बिंदु एस तक बढ़ाया गया। प्रश्न संख्या 6 है, आकृति में त्रिभुज पी क्यू आर की भुजा क्यू आर को बिंदु एस तक बढ़ाया गया, यानी ये जो त्रिभुज पी क्यू आर है इसमें भुजा क्यू आर को हम आगे बढ़ाएंगे, और कहाँ तक आगे बढ़ाएंगे एस तक,
ठीक है। यदि पी क्यू आर और पी आर एस के समद्विभाजक बिंदु टी पर मिलते हैं, यानी ये जो कोण पी क्यू आर है ये वाला कोण और पी आर एस ये वाला कोण, इन दोनों कोणों के समद्विभाजक, समद्विभाजक का मतलब है कि जो इन दोनों कोणों को समान दो भागों में बांटे, वो वाली रेखाएं कहाँ मिलती है, बिंदु टी पर मिलती है। तो यहाँ से इसका समद्विभाजक जो है वो इस प्रकार गुजर रहा है, और यहाँ से जो इसका समद्विभाजक है वो इस प्रकार से गुजरता हुआ यहाँ टी बिंदु पर ये दोनों समद्विभाजक मिल रहे हैं, ठीक है। अब इन दोनों के समद्विभाजक ये दोनों रेखाएं, इसका मतलब किया कि इस कोण को समान दो भागों में बांटा गया है और इस कोण को भी समान दो भागों में बांटा गया है। अब हम क्या करेंगे, प्रश्न आगे कह रहा है, तो सिद्ध कीजिए कि कोण क्यू टी आर बराबर है 1/2 कोण क्यू पी आर के, यानी ये जो क्यू टी आर ये वाला जो कोण है वो क्यू पी आर इस कोण के आधे के बराबर है, ये हमें सिद्ध करना है, ठीक है। एक काम करते हैं, इन सभी कोणों को हम नंबर दे देते हैं। तो ये हो गया कोण नंबर 1, 2, 3, 4, 5 और 6। अब देखो 1 और 2 तो बराबर होगा, क्योंकि ये जो रेखा है इसका इस कोण का क्या कर रही है, समद्विभाजन कर रही है। 3 और 4 भी बराबर होगा, क्योंकि ये जो रेखा है वो इस कोण का क्या कर रही है, समद्विभाजन कर रही है, यानी समान दो भागों में बांट रही है ना। तो हमें प्रश्न के अंदर पहले से ही दे दिया है, क्या दिया कि ये जो कोण 1 है वो इस कोण 2 के बराबर है और कोण 3 जो है वो कोण 4 के बराबर है, ठीक है। इसका कारण लिखेंगे क्यों बराबर है, क्योंकि ये जो रेखा क्यू टी है, क्यू टी वो कोण पी क्यू आर की समद्विभाजक है, कोण पी क्यू आर की समद्विभाजक, ठीक है, समद्विभाजक। और इसी प्रकार आर टी जो है, आर टी वो कोण पी आर एस की, कोण पी आर एस की समद्विभाजक है, समद्विभाजक है, ठीक है। ये हमें प्रश्न में दिया हुआ है। अब हमें सिद्ध क्या करना है कि ये जो कोण क्यू टी आर है, कोण क्यू टी आर जो है वो 1/2 कोण क्यू पी आर के बराबर है, ये चीज़ हमें सिद्ध करनी है, ठीक है। तो देखो इसको सिद्ध करने के लिए हमने एक प्रमेय पढ़ी थी। प्रमेय क्या थी कि अगर किसी त्रिभुज की एक भुजा को आगे बढ़ाया जाता है तो ये जो बाहर बना बहिष्कोण होता है वो अंतराभिमुख अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। यानी अगर मान लो ये कोण 1 है, ये 2 है और ये 3 है, तो ये जो कोण 3 होगा, बाहर का जो कोण 3 है वो अंदर के जो अंतःभिमुख है, यानी कि इसको छोड़कर ये दोनों जो कोण है, कोण 1 और कोण 2 के जोड़ के बराबर होता है। इस प्रमेय का जो उपयोग है इसमें 2 बार होगा, फिर जाके ये सिद्ध होगा, है ना। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर देखो मैं बड़ा वाला त्रिभुज ले रहा हूँ, ये वाला पी क्यू आर और एस, ठीक है। ये पूरा जो कोण है वो अंदर के इन दोनों कोणों के योग के बराबर होगा, है ना। तो पहले हम ये लिखेंगे कि ये जो कोण पी आर एस है, कोण पी आर एस जो है वो कोण पी क्यू आर, यानी ये वाला कोण, कोण पी क्यू आर प्लस कोण क्यू पी आर, कोण क्यू पी आर इन दोनों योग के बराबर होगा। समझ आया, ठीक है। देखो वापस समझा रहा हूँ, यहाँ पर जो हमारा त्रिभुज था पी क्यू आर और यहाँ एस, ये वाला जो कोण है यानी ये कोण, वो इन दोनों कोण के पी और क्यू के योग के बराबर है, ये हमने लिखा। अब ये हमने क्यों लिखा, क्योंकि ये हमने बहिष्कोण प्रमेय पढ़ रखी है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं प्रमेय से, ठीक है, बहिष्कोण प्रमेय से, ठीक है। अब देखो पी आर एस को मैं क्या लिख सकता हूँ, ये जो पी आर एस है वो 2 कोणों से मिलकर बना है, 3 और 4, है ना। तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ कोण 3 + कोण 4। पी क्यू आर, पी क्यू आर ये भी 2 कोणों से मिलकर बना है, 1 और 2, तो इसको मैं लिख सकता हूँ कोण 1 + कोण 2, फिर यहाँ प्लस का निशान, और ये क्या है क्यू पी आर, क्यू पी आर ये है कोण नंबर 5, तो इसकी जगह मैं कोण 5 लिख देता हूँ, ठीक है। अब देखो 3 जो है वो 4 के बराबर है, 1 जो है वो 2 के बराबर है ना। तो यानी इसका अब उपयोग हमें करना है, लेकिन इसका उपयोग कहाँ करेंगे, तो इसको समझो। यहाँ पर देखो एक तो त्रिभुज ये वाला बना, दूसरा त्रिभुज ये वाला भी बन रहा है अपने पास में, कौन सा, ये वाला, देखो ये हो गया टी
ये हो गया क्यू और ये हो गया आपका आर और एस, ठीक है। इसमें भी देखो बहिष्कोण बन रहा है ना, और ये कोण कितना है, ये वाला जो कोण है वो कितना है, 4 नंबर है, ये कोण है 6 नंबर, और ये जो कोण है वो है 2 नंबर, ठीक है। तो इसमें जब हम कोणों का प्रयोग करते हैं तो 4 आता है, 6 आता है और 2 आता है, है ना, जबकि इसमें 3 और 1 ये दोनों भी आ रहे हैं। इसका मतलब इन दोनों को मुझे हटाना है, क्योंकि आगे चलकर मुझे इन कोणों का उपयोग लाना है, बात समझ आई। तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, कोण 3 को क्या लिख सकते हैं, कोण 3 को हम लिख सकते हैं कोण 4, तो 3 की जगह पर आ जाएगा कोण 4 और आगे क्या है कोण 4 बराबर। कोण 1 की जगह क्या लिख सकते हैं, कोण 2, तो यहाँ लिख सकते हैं कोण 2 प्लस कोण 2 प्लस कोण 5। ऐसा हमने कैसे किया, तो हमें प्रश्न के अंदर दिया हुआ है ना, इसका उपयोग हमने ऐसे किया। अब 4 और 4 जुड़ के कितना हो जाएगा, 2 कोण 4, 4 और 4 8 मत कर लेना, ठीक है। यहाँ पर ये कोण है और इन दोनों को जोड़ रहे हैं, तो 1 कोण और 1 कोण जुड़ के कितना हो गया, 2 कोण हो गया, यानी 2 कोण 4 बराबर। ये भी जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2 कोण 2 प्लस कोण 5। अब हम क्या करेंगे, इसमें सभी पदों में 2 का भाग देंगे, क्योंकि हमें 1/2 लाना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 2 का भाग देने पर, ठीक है, तो इसमें हम 2 का भाग देंगे, इसमें भी 2 का भाग देंगे और इसमें भी 2 का भाग देंगे, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ भी 2 से 2 कट जाएगा, तो हमारे पास बचेगा क्या, हमारे पास बचेगा कोण 4 बराबर कोण 2 प्लस कोण 5/2, ये हमारे पास बचेगा, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब देखो, अभी जो मैंने अभी त्रिभुज बना के समझाया था, अब हम उसका उपयोग करेंगे। तो इस त्रिभुज में देखो, इसमें त्रिभुज में नाम लिख देता हूँ, त्रिभुज टी क्यू आर में, यानी ये त्रिभुज, ठीक है, टी क्यू आर में क्या कर सकता हूँ कि ये जो कोण 4 है वो कोण 6 और कोण 2 के योग के बराबर होगा, कोण 2 प्लस कोण 6 के योग के बराबर होगा। ये मैंने क्यों लिखा, तो यहाँ लिख सकते हैं प्रमेय से, ठीक है, प्रमेय से, बहिष्कोण प्रमेय से, ये हो जाएगी हमारी समीकरण नंबर 2। अब देखो, समीकरण 1 और 2 को कोण 4 इन दोनों के योग के बराबर है, यहाँ भी कोण 4 इन दोनों के योग के बराबर है ना, तो मैं कोण 4 की जगह क्या ये नहीं लिख सकता, क्या लिख सकता हूँ, क्योंकि दोनों बराबर है। तो अब समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से मैं क्या लिख सकता हूँ कि कोण 4 की जगह लिख सकता हूँ कोण 2 प्लस कोण 6 बराबर है, इसकी जगह ये लिख दिया और आगे क्या है कोण 2 प्लस कोण 5/2। अब देखो, यहाँ 2 से 2 हट जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ बराबर जो है दोनों तरफ 2 है, तो हम 2 को हटा देंगे। फाइनली हमारे पास क्या बचेगा, कोण 6 बराबर कोण 5/2। अब इनको हम क्या लिख सकते हैं, या कोण 6 हमारा क्या है, देखो क्यू टी आर, यही तो हमें सिद्ध करना है, तो इस कोण 6 की जगह लिख सकते हैं कोण क्यू टी आर बराबर, यहाँ देखो कोण 5/2 है, तो ये 2/2 जो है इसको मैं आगे ले लेता हूँ 1/2 के रूप में, ठीक है, और कोण 5 को क्या लिख सकते हैं, क्यू पी आर, तो यहाँ लिखेंगे कोण क्यू पी आर, और यही हमें सिद्ध करना था, है ना, यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, जो हमने शुरुआत करी है, यहाँ पर आगे आप ऊपर लिख सकते हो त्रिभुज पी क्यू आर में, है ना, यहाँ शुरुआत जो करी है यहाँ पे आप लिख सकते हो त्रिभुज पी क्यू आर में, ठीक है, समझ आया। अगर समझ में नहीं आया तो एक बार वापस इसको पीछे करके ध्यान से समझने की कोशिश करो। हमने क्या करा, 2 बार बहिष्कोण प्रमेय का उपयोग करा, 1 बार तो हमने इस त्रिभुज में करा पी क्यू आर और एस, ठीक है, ये वाला जो कोण है इन दोनों कोणों के योग के बराबर है। दूसरी बार हमने क्या करा, दूसरी बार हमने जो बहिष्कोण प्रमेय का उपयोग करा वो इस त्रिभुज में करा, ये है टी क्यू आर और एस, ठीक है, ये जो कोण है वो इन दोनों कोणों के योग के बराबर है। यहाँ से समीकरण आई 1, यहाँ से समीकरण आई 2, समीकरण 1 और 2 को जब हम सरल करेंगे तो हमें ये जो प्रमेय है वो सिद्ध हो जाएगी, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से,
और अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो। थैंक यू।